फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीए, बीएससी, बीकॉम का जो नया सिलेबस है डीटीपी डेटा प्रिंटिंग का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही ट्रिपल सी ओ लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सही से समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम देंगे अगले वीडियो में। अभी हम 15-15 के सेट शुरू करेंगे। तो पहले 15 का सेट है ये पहला, जिसका पहला क्वेश्चन है डीटीपी का फुल फॉर्म है। तो देखिए, ये तो सभी को पता होता है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। कंफ्यूजन के लिए आप गलत ना टिक करें, इसलिए डीटीपी का फुल फॉर्म यही लगाना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डीटीपी का प्रारंभ मैक पब्लिशर के साथ कब हुआ था। तो 1985 में मैक पब्लिशर के साथ शुरुआत हुआ था डीटीपी का। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी का जो चुनाव है वो कब हुआ था। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ये इसका चुनाव 1980, 1986, 1987 या 1990 कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1980। ठीक है, 1980 में डीटीपी का चुनाव हुआ था। अगला, डीटीपी का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं। पहला, बुक पब्लिश, यानी बुक पब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मैगजीन पब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फ्लेक्स प्रिंटिंग, या फिर सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसके लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये सभी काम होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीटीपी में कितने तरह के पेज होते हैं। तो एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, चार टाइप का। तो डीटीपी में दो टाइप के पेज होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, निम्न में डीटीपी के पेजेस हैं। तो दो टाइप का पेज अभी हुआ, तो इनमें से कौन सा दो टाइप का पेज होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेज, वर्चुअल पेज, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक पेज हो गया, दूसरा हो गया वर्चुअल पेज, दो टाइप का पेज होता है। तो ये ऑप्शन आपका उपरोक्त में से दोनों सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला है, डीटीपी के निम्न में से सॉफ्टवेयर हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, पेज मेकर हैं, कोरल ड्रॉ हैं, या फोटोशॉप है। तो देखिए, डीटीपी इन सब को मिलाकर के बोला जाता है, इन सब में डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीटीपी सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं क्या, यानी क्या काम करते हैं। टाइपोग्राफी काम है, स्टाइलिश काम होता है, स्पेसिंग का, या सभी। तो ये सभी टाइप के काम होते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में डिजाइन के सिद्धांत हैं, बैलेंस, यूनिटी, अलाइनमेंट, या सभी। तो देखिए, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, यूनिटी और बैलेंस, ये तीनों सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, डीटीपी के निम्न में से नियम है, कम फॉन्ट साइज का प्रयोग करना, ज्यादा व्हाइट स्पेस का प्रयोग करना, क्लिप आर्ट का प्रयोग करना, या सभी। तो ये सभी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंगल स्पेस का प्रयोग निम्न में किससे से करना चाहिए, यानी कौन से लोग हैं जिनको सिंगल स्पेस का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेवर टाइपराइटर, यानी जो टाइपिंग का काम ज्यादा करते हैं। दूसरा है डिजाइनर्स, और तीसरा है पब्लिशर्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी के निम्न में से फायदे हैं, यानी डीटीपी में अगर काम करते हैं तो क्या फायदे हैं। पहला, आसान होता है, अत्यंत आसान मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है। अगला है, वक्त कम लगता है, टाइम का बचत होता है। अगला, खर्च कम लगता है, पैसा भी कम लगेगा। अगला, उपरोक्त सभी। तो देखिए, डीटीपी में काम करने के ये सभी फायदे हैं तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर, उपरोक्त सभी। अगला है, पेज के लेआउट कितने होते हैं, यानी कोई भी काम आप करते हैं पेज में तो कितने टाइप का पेज लेआउट इस्तेमाल होता है। एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, चार टाइप का। तो दो टाइप का पेज लेआउट इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में पेज लेआउट है, तो ये दो टाइप का जो पेज लेआउट है वो कौन कौन सा है, यही क्वेश्चन है अगला। तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला जो होता है पोर्ट्रेट, सीधा सीधा पेज आता है। लैंडस्केप जो ऐसा आपको लैंडस्केप टाइप में बड़ा पेज मिलता है, और सी, दोनों। तो ये दोनों टाइप के पेज इस्तेमाल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों। अगला है, निम्न में आईएसओ ए पेपर का साइज क्या है, A0, A1, A4, A और आगे का सभी। तो देखिए, A0, A1, A3, A4 ये A सीरीज का ही पेपर साइज है। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये थे 15 क्वेश्चन हमारे पहले सीरीज के। इस सीरीज के साथ अगले सीरीज का आपको पीडीएफ मिलेगा, और आगे भी लगातार सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिस तरह से हमें फीडबैक मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।